हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज आपके लिए नाउन से एक बहुत ही शानदार वीडियो। नाउन की आपको सेंटेंस में पहचान करनी सिखाऊंगा। यस गाइस, आप नाउन को कैसे फाइंड करेंगे सेंटेंस के अंदर कि दिया गया वर्ड नाउन ही है, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ला रहा हूं। मैंने भी देखा है कई सारी वीडियोज़ में कि किसी ने अधूरी जानकारी दी है, पूरी जानकारी किसी भी वीडियो में नहीं दी गई है। सो गाइस, यहाँ मैं आपको इसकी दो पहचान बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा नाउन को पहचानने के। वो दोनों तरीके आप ढंग से देखिएगा, आपको खूब अच्छे समझ में आएंगे। गाइस, सेंटेंस में नाउन को पहचानने के दो तरीके हैं, नंबर एक और नंबर दो। इन दोनों तरीके पे ही हम लोग वर्क करेंगे। बहुत इजी सा ट्रिक है, बहुत इजी सा मेथड है, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ये मैं आपसे बोलता हूँ दावे के साथ में। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपना पहला मेथड देखते हैं नाउन को पहचानने का। पहला जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है नाउन को पहचानने का, वो है उसकी एंडिंग के आधार पर। किस पे बच्चों? एंडिंग के आधार पर। दिए गए शब्द की एंडिंग के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द आपका नाउन है या नहीं। अगर उस एंडिंग से आप समझ जाएं कि दिया गया शब्द नाउन है तो वो सही है, अन्यथा नहीं। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। यार बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जो इशारा करते हैं कि दिया गया वर्ड नाउन ही है, जैसे कि अगर अंत में मेंट हो, MENT। क्या है बच्चों? अंत में आपका MENT यानी कि मेंट हो, तो समझो दिया गया वर्ड आपका नाउन है। आपने कहा सप्लीमेंट, क्या कहा आपने? सप्लीमेंट, इसका मतलब ये वर्ड आपका नाउन है। अगर किसी वर्ड के अंत में TION हो, क्या हो? TION, तो यानी कि देखिए ध्यान से, आपने कहा एजुकेशन, क्या कहा आपने? एजुकेशन, या फिर और भी बहुत सारे वर्ड, सफोकेशन, यस इरिगेशन, ये सब आपके नाउन ही कहलाएंगे। अगर अंत में आपको दिख रहा है SION, जैसे कि आपने कहा PASSION, पैशन, यानी कि ये दिया गया शब्द आपका नाउन ही है, इसको खूब अच्छे से याद रखेंगे। आपने कहा ICE, जैसे कि आपने कहा एडवाइस, क्या कहा? एडवाइस। आपने कहा प्रैक्टिस, तो ये दिए गए शब्द आपके नाउन हैं, क्योंकि इनके आखिरी में इन शब्दों का जिक्र हो रहा है, ये दिए गए आपके शब्द नाउन ही रहेंगे। आपने कहा TUDE, तो आपने कहा वर्ड एप्टीट्यूड, यानी कि ये दिया गया शब्द आपका नाउन है, एप्टीट्यूड। आपने कहा अंत में अगर हो NESS, जैसे कि आपने कहा फॉरगेटफुलनेस, यानी कि ये दिया गया वर्ड आपका नाउन ही रहेगा, दिया गया वर्ड आपका डेफिनेटली नाउन रहेगा। आपने कहा TURE, जैसे कि ADVEN, TURE, एडवेंचर। आखिरी में इसके TURE यानी कि चर, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं चर, टी साइलेंट रहेगा, तो एडवेंचर, यानी कि यहाँ पर ये भी आपका दिया गया वर्ड एक नाउन ही है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं गाइस, इनकी एक अच्छे खासी लिस्ट आप अपने पास संजो कर रखें। जैसे कि आपने कहा ICS, तो ये भी नाउन ही होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, ये सभी आपके नाउन होंगे। आपने कहा DOM, जैसे कि फ्रीडम, तो ये भी आपका नाउन होगा, जैसे कि CY, तो शब्द बना आपका डेमोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, ये सभी आपके नाउन होंगे, क्योंकि आखिरी में CY आ रहा है। आखिरी में क्या आ रहा है इसके? CY। आपने कहा SHIP, शिप, जैसे कि FRIEND, SHIP, फ्रेंडशिप, लेक्चरशिप, ये भी आपके दिए गए वर्ड नाउन ही होंगे। यहाँ अगला वर्ड है आपका TH, जैसे कि आपने कहा ग्रोथ, क्या कहा आपने? ग्रोथ। आपने कहा हेल्थ,
तो यहाँ पे आखिरी में टी एच है, इसका मतलब ये दिया गया वर्ड आपका नाउन ही है। उसके बाद में ओ आर अगर अंत में होगा, जैसे कि आपने कहा डॉक्टर, ट्रैक्टर, तो यहाँ पे ये भी आपका दिया गया वर्ड नाउन ही होगा। अगला वर्ड है आपका ई ई, जैसे कि आपने कहा एम्प्लॉय, क्या कहा आपने एम्प्लॉय, तो ये दिया गया वर्ड आपका नाउन होगा। जैसे कि नेक्स्ट है आपका लेस, तो हेल्पलेस, ये भी आपका दिया गया वर्ड नाउन ही होगा। जैसे कि नेक्स्ट है आपका टी वाई, जैसे कि निफ्टी या फिफ्टी, ये भी शब्द आपके दिए गए नाउन ही होंगे। यस गाइस, तो ये एक छोटी सी लिस्ट शब्दों की, अगर आखिरी में लगी हो तो समझो दिए गए वर्ड आपके नाउन ही होंगे, डेफिनेटली नाउन होंगे। आइस हो गया, डोम हो गया, सीवाई हो गया, शिप हो गया, टी एच हो गया, और हो गया, ई हो गया, एल ई एस एस, लेस हो गया, टी वाई हो गया, ये सभी शब्द इशारा करते हैं कि हम नाउन हैं। उसके बाद गाइस ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रखेंगे। देखिए, रटा रटाया फंक्शन कभी भी काम नहीं करता है, जरूरी है कि आपको उसके लिए कुछ नियम और कानून भी पता होना चाहिए। जो दूसरी पहचान है वो नियम और कानून से ही है, उसको देखिएगा गाइस ध्यान से। यहाँ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नाउन को पहचानना। मैंने आपको दोनों मेथड बता दी हैं। फर्स्ट मेथड रहा आपका एंडिंग के आधार पर, सेकंड मेथड है आपका फंक्शन के आधार पर। उस दिए गए शब्द के फंक्शन के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं। ये आपका फंक्शनल मेथड है। कैसा मेथड है ये? फंक्शनल, यानी कि आप सिर्फ रटी रटाई चीजों पर ध्यान ना दें। बचपन में हमें क्या पढ़ाया गया था, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, या फिर अगर मैं आज की बात भी करूं जो हमें बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स में आपके नाउन कहलाते हैं। गाइज, आप दिए गए शब्द के फंक्शन पर जाएं और उसके मेथड को अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा वो दिया गया वर्ड नाउन है या नहीं। यहाँ मैं आज आपको तीन वर्ड ऐसे बताऊंगा जिनसे आप ये पहचान कर सकते हैं कि दिया गया शब्द आपका नाउन है या नहीं। यस, वो वर्ड है आपके whom और what, यानी कि कौन, किसको और क्या। अगर आपको सेंटेंस के अंदर इन तीनों में से किसी भी एक का जवाब मिल जाए तो आप समझ जाएं कि दिया गया वर्ड आपका डेफिनेटली नाउन ही है। यस गाइस, लाइक मैंने लिखा यहां पे रामा कॉल्ड सीता, रामा कॉल्ड सीता, तो आपको ये देखना है कि ऊपर दिए गए शब्दों का जवाब यहां पे मिल रहा है या नहीं। आपने कहा रामा कॉल्ड सीता, सो मैंने पूछा हु कॉल्ड सीता, हु कॉल्ड सीता, आपने कहा रामा, यानी कि ये हु का जवाब है। किसका जवाब है ये? हु का। इसका मतलब दिया गया शब्द आपका नाउन ही है, आपने जरा भी गलती नहीं की। रामा कॉल्ड हुम, रामा कॉल्ड हुम, तो आपने कहा सीता को, यहाँ पे ये हुम का जवाब है, इसका मतलब ये भी दिया गया शब्द आपका नाउन ही है। यस गाइस, अगर आपको हु, हुम, व्हाट के जवाब मिल जाएं तो समझ जाना कि दिया गया वर्ड आपका नाउन ही है। आपने कहा द बॉय बोट अ कार, लड़के ने एक कार खरीदी, लड़के ने एक कार खरीदी, सो हु बोट द कार, किसने खरीदी कार बच्चों? लड़के ने। यहां पे ये हु का रिप्लाई है, इसका मतलब ये नाउन है। सो हु बोट व्हाट, किसने क्या खरीदा? आपने कहा लड़के ने कार खरीदी, तो ये आपका व्हाट का जवाब है, इसका मतलब ये भी दिया गया शब्द आपका नाउन ही होगा। यस, ये फंक्शनल ग्रामर के अकॉर्डिंग आप दिए गए शब्दों को उनकी पहचान के आधार पर यहां बता सकते हैं, हु हुम व्हाट का इस्तेमाल करके। जरा एक दो एग्जांपल और देखें। आपने कहा लव चेंजेस स्विफ्टली, प्यार तेजी से बदलता है, प्यार तेजी से बदलता है, लव चेंजेस स्विफ्टली। सो मैंने पूछा क्या तेजी से बदलता है? आपने कहा प्यार। ये आपका यहां पे वर्ड जो है
यहाँ पे वर्ड का जवाब आया, इसका मतलब ये नाउन है। लेकिन गाइज क्या लव एक विजिबल नाउन है? नहीं, ये आपका नॉन विजिबल नाउन है। और जो नॉन विजिबल नाउन होते हैं, यानी कि जो होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, वो आपके जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस पे चले जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब जरा गौर कीजिएगा, यही लव आपका यहाँ पे नाउन था और यही लव आपका आई लव पूजा। अब यहाँ पे यही लव आपका वर्ब बन चुका है। सो मैं यही कह रहा था आपसे कि आप दिए गए शब्द के फंक्शन पर ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि ये लव यहाँ पे अभी भी नाउन है, अब ये नाउन नहीं है क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद आया है, इसका मतलब ये आपका वर्ब है और वो भी मेन वर्ब। आई लव पूजा। सो पूजा को कौन प्यार करता है? मैं। हालांकि ये नाउन या प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाएगा, प्रोनाउन ही है और ये आपका हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा आपका? ये नाउन। उसने कहा सागर went to the station. सागर went to the station. Who went to the station? आपने कहा सागर। ये आपका हु का जवाब है, इसका मतलब ये आपका नाउन है। क्या है? अब मैं आपसे पूछूं कि सागर क्या जाता है, सागर को किसको जाता है, या सागर कहाँ जाता है? तो ये आपका कहाँ का जवाब है, वेयर का, इसका मतलब ये नाउन नहीं है, क्योंकि वेयर हमने आपको इस सीरीज में बताया ही नहीं, वेयर इस सीरीज से बाहर है। तो ये दिया गया शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है सागर वेंट होम, तो यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा कि होम तो हमेशा नाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पे होम जो है वेयर का रिप्लाई है, तो ये आपका नाउन नहीं, ये आपका एक एडवर्ब है। क्या? ये आपका एक एडवर्ब। सागर यहाँ पे नाउन रहेगा, ये कन्फर्म है। सो इस तरह से आप शब्दों को पहचानें, आप हु हुम व्हाट लगाकर उस पर अप्लाई करके देखें, आपको डेफिनेटली आपकी दी गई बात का जवाब मिलेगा। आप ये क्लियर कर पाएंगे कि दिया गया शब्द आपका नाउन है या नहीं, दिया गया शब्द आपका नाउन है या नहीं, उसको पहचानने की ये दोनों ट्रिक बहुत शानदार हैं, एंडिंग के आधार पर और आपके इस फंक्शन के आधार पर। एक चीज़ और सीख लीजिएगा गाइस यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल जो सीखने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी वर्ब में जब आप ईआर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ईआर, तो वो बन जाएगा आपका डूअर। क्या बन जाएगा आपका? डूअर। ये भी आपका कहलाएगा ऐसे में नाउन। क्या कहलाएगा? नाउन। जैसे कि आपने प्लेयर, आपने कहा डांसर, कहा कुकर, ये सभी आपके नाउन ही हैं। क्या है? सभी आपके ये नाउन हैं। यहाँ पे आपने इनमें ईआर लगाया और ये आपके नाउन बन गए। या फिर आप वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कैसे? विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो समझो दिया गया वर्ड आपका नाउन ही है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भी वो वर्ड आपका एज ए नाउन काम करता है। हालांकि उसको जिरंड कहा जाता है, लेकिन वो नाउन ही है। आपने कहा वॉचिंग टीवी इज नॉट गुड फॉर आईज, सो यहाँ पे वॉचिंग शुरू में आया है, वर्ब में आईएनजी लगी है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब दिया गया शब्द आपका जिरंड है और जिरंड को अंग्रेजी ग्रामर में नाउन का ही दर्जा दिया गया है, यानी कि ये भी आपका एक नाउन ही होगा। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द आपका नाउन ही है या नहीं। सो गाइस यहाँ मैंने आपको नाउन की शुरुआत में दो पहचान कही थी, लेकिन ये तीसरी पहचान मैंने आपको बता दी, वर्ब में ईआर और वर्ब में आईएनजी लगा करके विदाउट हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ प्लेइंग आपका एक वर्ब होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ प्लेइंग आपका एक नाउन होगा, क्योंकि यहाँ प्लेइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर प्लेइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी से पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो दिया गया वर्ड आपका डेफिनेटली नाउन होगा। अगर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तो दिया गया शब्द आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म कहलाएगी। तो ये ध्यान रखें गाइज, ये छोटी सी पहचान आपको खूब आगे ले जा सकती है। गाइज अच्छे से नोट्स बनाइएगा,
बार बार वीडियो को देखेगा, दो से तीन बार देखने में वीडियो आपको अपने आप याद हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको रट्टा मारने की। सो गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, ऐसे ही एक शानदार टॉपिक के साथ में, नए नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलता रहूंगा, आपको देता रहूंगा इस तरह की वीडियोस। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।